सीकर सुरू झुंझुन और नीम थाना यानी पूरे सेखावटी अंचल के लोग पीने के पानी के साथ साथ सिंचाई के पानी के लिए भी जूझ रहे हैं, जबकि चारों जिलों में कई दशकों से दोनों ही बड़ी पार्टियों से जुड़े प्रतिनिधि पानी के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी आ रहे हैं, लेकिन नहर का पानी आज तक नहीं पहुंच पाया है। खेतों में सिंचाई और पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे सेखावटी अंचल के लोगों का गुस्सा आज फूट पड़ा। सेखावटी के कई गांवों के लोगों ने इस बार 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के बहिष्कार करने का फैसला कर लिया है। ग्रामीणों ने यहां तक चेतावनी दे दी है कि वोट तो डालेंगे ही नहीं, बल्कि किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को गांव में भी नहीं घुसने दिया जाएगा। ऐसा ही एक मामला सामने आया है नवनिर्मित निमसान जिले का, जहां की तहसील पाटन यहां के मोहनपुरा खड़करा गांव में रविवार को पानी की समस्या का समाधान नहीं होने से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। इसी को लेकर ग्रामीणों ने रविवार को एक बैठक का आयोजन किया। लोकसभा चुनाव में वोट नहीं डालने का निर्णय भी लिया गया। ग्रामीणों ने यह चेतावनी भी दी है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वोट तो डालेंगे ही नहीं, बल्कि किसी भी पार्टी के नेताओं को गांव में भी नहीं घुसने देंगे। मोहनपुरा के निवासियों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से जनप्रतिनिधियों और नेताओं के खोखले वादों से परेशान होकर समस्त मोहनपुरा खड़गड़ा निवासी चुनाव का बहिष्कार ऐलान किया है। सभा में गांव की महिलाओं ने जनप्रतिनिधियों और नेताओं को भी खड़ी खड़ी सुनाई। इस दौरान गांव के सैकड़ों गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि राजस्थान प्रदेश में 12 महीनों पानी की समस्या बनी रहती है। नेता लगातार प्रदेश की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाकर चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं, किंतु चुनाव निकल जाने के बाद किए गए वादों में भूल जाते हैं और अगले चुनाव तक गांव में शक्ल भी नहीं दिखाते। ये सेखावटी अंचल का पहला मामला नहीं है, पूर्व में भी ऐसे कई मामलों में कई गांव आगे रहे हैं जहां पर मतदान का बहिष्कार किया गया है। इसी क्रम में समस्याओं को लेकर किया जा चुका है। आपको बता दें कि पूर्व में झुंझुनू जिले के हमीनपुर के ग्रामीणों पहले ही मतदान बहिष्कार का निर्णय ले चुके हैं। बनकोठड़ी एवं केहरपुरा के ग्रामीणों ने भी यही फैसला लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक जल नहीं तब तक वोट नहीं। पिछले रविवार यानी 7 अप्रैल को जिले के हमीनपुर और गाडोली के लोगों ने भी सभी सभा बुलाकर वोट निकालने की शपथ ली। साथ में यह भी निर्णय लिया गया कि किसी भी लोकसभा प्रत्याशी या उसके कार्यकर्ताओं को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। हालांकि लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे ग्रामीणों से प्रशासन समझाइश कर रहा है, किंतु ग्रामीण मानने को राजी नहीं है। झुंझुनू चूरू और सीकर व नीमथा जिले के लोग पीने के लिए पानी के साथ साथ सिंचाई के लिए भी जूझ रहे हैं, जबकि चारों जिलों में कई दशकों से दोनों ही पार्टियों से जुड़े प्रतिनिधि आते रहते हैं और अपने अपने चुनावी वादे कर पार्टी की जीत निश्चित मानते रहते हैं। आपको बता दें कि यहां तक कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का पानी भी सेखावटी अंचल तक अभी तक 10% हिस्से में भी नहीं पहुंच पाया है, जिसको लेकर लगातार ग्रामीण आक्रोशित हैं और इस बार लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। अच्छा अच्छा, कहाँ कुंदो माँ वोट दे, कहाँ कुंदो? अच्छा अच्छा, आज तक गांव में पानी को हेडपंप लाख एक लाख रहे जी, और पानी तो नहीं मार चुके कौन आ रहे हो? अच्छा यहाँ तो आपके पर वोट कहने दे रहे दो कौन दो? अच्छा जो नेता हो ना उन्हें वोट देंगे तो पानी क्या हो जाओ पहले, तो आज आज से पहले कोई पानी नहीं पिलाया किसी नेता ने? किसी ने को नहीं पिलाया, सब वोट ले रहा कराने बैठ गया। और आपकी बार आपकी बात तो ये मुन्नू करियो असलो को पानी की सुविधा करोगे दिन वोट जाएगा। इसी प्रकार की लगातार खबरें देखने के लिए आप बने रहिए नगरी मीडिया के साथ। नमस्कार।